हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस पावर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है पिछले दो दिनों से। क्या कारण है इस गिरावट का, टेक्निकली रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे अगर आप देखें तो 19 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट स्टॉक को ऊपर कहाँ तक करके जाता है तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो यहां पर गया था स्टॉक 25 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट टच नहीं किया था, 25 के आसपास जाने का स्टॉक फिर नीचे आता है। अब देखेंगे आप एग्जैक्ट 25 को टच करके स्टॉक फिर से नीचे आया और फाइनल एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला ऊपर की तरफ लगभग लगभग 33 रुपए तक। फिर एक बड़ी गिरावट होती है स्टॉक को नीचे लेकर के आती है, कहां तक, 19 रुपए के आसपास। यहां से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता है और अब हम देखते हैं स्टॉक ऊपर की तरफ कहां तक गया, तो लगभग लगभग स्टॉक गया फिर से 33 रुपए। यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से हो रहा है रिजेक्शन, मतलब ये जो लाइन है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक को नीचे लेकर के आ रही है। ये देखिए, इसके पहले भी यहाँ से गिरावट हुई थी और फिर से यहाँ से गिरावट हो रही है। यदि यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो धीरे धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में यहाँ पर आपको स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अभी आपको यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग नहीं करना है। आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, आप क्या करें यहाँ पर शॉर्ट सेल करके आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग आपको नहीं करना है।